فاذا <applause> <applause>

जो तनहे तनहा इस पूरे आलम का खालिक व मालिक है और करोड़ों दरुदो सलाम के फूल नछावर हों तमाम अम्बियाई क्राम पर खूस आखिर ज़मानब करीम सल्हसम पर और आपके आलोब पर हाज़रीन मस्जिद आज के इस हफ्तावारी दर्स के अंदर जिस टॉपिक का इंतख किया गया वो है अकीद तोहद और तमीरत इंसानी के इंसान की ज़िंदगी पर तोद के क्या असरत होते हैं और पक्के सच्चे जो वाहद लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आती है आज इनशा उसी के मुतालिक आज इस हफ्तावारी प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तोहद इस्लाम का वो बुनियादी अकीद है जो हज़रत आदम सलाम से लेके आखिर जब नबी करीम सल्हस तक तमाम अम्बियाई क्राम ने उसकी दावत दी है और सूर नहल की आयत के अंदर अल्लाह अल्लाबालमीन ने इस बात को उजागर किया कि वलकत कि बायसनाफ़ीकमत रसूल अन अबूदालाबूताऊ के हमने हर उम्मत के अंदर रसूल भेजा ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो वो लोगों को बंदों की बंदगी से निकाल कर एक रब्बुल आलमीन की की बंदगी की तरफ बुलाएँ और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा वह वा अब्दुल्ला वाल तुश्रिको भी सैया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ तो इन तमाम आयात से ये बात मालूम होती है कि तोहद की तबलीग तहफ़ अम्बिया और रसूल का अहम फरीज़ा था लिहाजा हम मुसलमानों का भी यही वतीरा और यही तरीक़ा होना चाहिए कि हम तोहीद की हिफाज़त करें और अक़ीदा तो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें क्योंकि अक़ीदा तो ही के इंसान के अंदर कामयाबी और कामरानी है और अल्लाह अलबलमी का इरशाद है कि इंसान जो है तोहद के अंदर इंसान के लिए अल्लाह रब्लमी ने भलाई रखी है और बहुत सारे दूसरे असरात अल्लाह रब्लमी ने उसके बतलाए हैं कि इस्लाम का दार मदार जो है तोहद पर है आखरत में कामयाबी व कामरानी का इहिसार तो पर है इंसानियत की फलाह तोहद पर है और यही अकदा अमन व सलामती और एहतराम इंसानियत का ज़ामिन भी है गरजे के अक़ीद तोहद के बहुत सारे फ़वाद अल्लाह रब्लमीन ने बयान किए हैं और जो लोग शर्क की दलदल में फंसे हुए हैं अल्ला रब्लमी ने उनके लिए नुकसान भी बयान किए हैं तो आज के इस दरस में मैं चार से पाँच बातों की तरफ आप लोगों की तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा कि जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो असरात मुरतब होते हैं तोहद से सब पहला जो असरात इंसानी ज़िंदगी में मुरतब होता है वह तज्याए नफ्स यानि इंसान का अखलाक आदात व अतवार अच्छे तरीक़े के हो जाते हैं और रब्बुल रब्लम जिस समाज व माशरे के अंदर इस तरह की एक्टिविटी अच्छे अखलाक वाले लोग और रबालमीन उस समाज और माशरे को अमन सलामती का गहवारा बना देता है आलमीन के रिशाद है अल्लाह के रसूल वसल्लम को मुखातब करते हुए फ़रमाया फ़बीमा रहमत मिनल लन तम वल तजन बिलफुनिकैफ़न लहुम सूरह आले इमरान की आयत नंबर एक सौ उनसठ है ये आलमीन ने इसके अंदर फ़रमाया नबी करीम वसल्लम को मखातब करते हुए फ़रमाया कि अल्ला आलमीन की बड़ी रहमत है कि किल्ला रब्लमी ने आपकी तरफ़ लोगों की तोजह को मफज़ोल किया और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद अखलाक और सख्त ज़बान हो जाते तो ये लोग आपसे मुंतशिर हो जाते अलग हो जाते और आगे अल्ला रब्लम ने फरमाया कि उस उनके लिए दरगुजर की दुआ करें और उनकी बख्शिश के लिए दुआ कीजिए यानी ये अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने नबी करीम अलैहि वसल्लम को दी कि अगर इंसान बदज़बान होता है बद अखलाक होता है तो लोग उसके पास आते नहीं हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल अल्लाबी ने नबी करीम को मुखातब करते हुए यही बात बतलाई है कि आप नरम मिजाज अच्छे अख्लाक वाले अच्छे किरदार वाले हैं इसीलिए लोग आपके पास जमा हुए अगर आप बदअखलाक हो जाते कैरेक्टर लेस हो जाते तो लोग उसके पास जमा नहीं होते यानी अक़ीद तोहद से इंसानी ज़िंदगी पर जो सबसे सब पहला असर मुरतब होता है वो यही कि इंसान जो है अच्छे अखलाक वाला हो जाता है और अगर इंसान अच्छे अखलाक वाला हो जाए तो अल्ला रब्लम उस समाज और माशरे के लोगों के लिए अमन व सलामती का गहवारा बना देता है दूसरी चीज़ आप जान ये जान लीजिए कि अकीद तोहेद इज्जत है जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हलम की तालीमत को माना अल्लाह रब्बुल रब्लम को उसकी तात सिफात में यकता और तनहा जाना अल्लाह रब्बुल रब्लम ऐसे लोगों के इस दुनिया के अंदर भी इज़्ज़ अता फ़रमाने वाला है और आख़रत के अंदर भी अल्ला रब्लम उनको इज़्ज़त अ फ़रमाने वाला है इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसको इज़्ज़त के साथ पुकारा इज्जत के साथ बुलाया जाए चाहे वो किस छोटा हो या बड़ा हर कोई शख्स ये चाहता है कि मुझे इज़्ज़त के साथ लोग मुखातब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको हकीकी इज्जत मिल जाए इस दुनिया में भी और आख़रत के अंदर भी तो अकैदा तोहैद को मजबूत कर लीजिए और अल्लाह आलमीन से अपना रिश्ता मज़बूत कर लीजिए क्योंकि इंसान की कामयाबी और कामरानी तोहेद के अंदर रब्बुल रबालमी ने मुजबर रखी है अल्लाह ने तौीद व ईमान की शर्त के साथ इज़्ज़त और सरबुलंदी को जिक्र करते हुए फरमाया वला तहनू वला तहजनु व अन तुमअनक तुम मुमन के ना कमज़ोर बनो ना गमज़दा हो तुम लोग ही सरबुलंद रहोगे व अन तुमकुन तुम ममिन अगर तुम ईमान वाले हो अल्लाह अबमीन ने इस आयत करीमा के अंदर एक कंडीशन लगाई है ख़ाली कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही सर सरबलंद रहोगे तो हम और आप अपने नफ्स का मुहासबा करें कि हम कितना ईमान को फॉलो कर रहे हैं और कितनी हम अपनी ज़िंदगी में किताबोसन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप इस तायराना नज़र दौड़ा इस दुनिया के अंदर तो मुसलमान महकूम नज़र आ रहे हैं मज़लूम बने हुए हैं इसकी वजह यही है कि हकीकत में कि हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमत को बालाह ताक़ रख दिया है हमारे अंदर ईमान नहीं है ईमान की तारीफ़ जो की गई है इकरारम बिल तस्दीक बिलजनान वलहमल बिलजवार वल अरकान जबान से इकरार करना ज़बान से इंसान ने इकरार कर लिया तो उसके बाद दिल में भी उसको पेवस्त होना बेहद ज़रूरी है और अगर दिल में भी वो बात बैठ गई है तो अपनी अमली ज़िंदगी में अपना अजा व जवार के ज़रिए से यह साबित करना है कि हम पक्के सच्चे ईमान वाले लोग हैं अगर इस तरह की आदात व अखलाक और इस तरह की हमारी ज़िंदगी हो जाए तो अल्ला रब्लम इस दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और आखरत के अंदर भी अल्ला रब्मिन हमें सर बुलंद सरबुलंद करेंगा रब्लम से दुआ कि अल्ला रब्लम हमें पक्का सच्चा वाहिद बनाएँ तीसरा जो असर इंसान की ज़िंदगी पर अक़ीदा तोहेद से मुरतब होता है कि इंसान जो है गैरुल्ला से बेखौफ़ हो जाता है जो कोई जिस शख्स के दिल के अंदर पक्का सच्चा ईमान होगा वो किसी से डरने वाला नहीं है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्लमिन की ज़ात से डरने वाला शख्स होगा यहाँ पे मैं एक वाक़ बयान कर दूँ जंगज़ा का मौका है और सात बिन अभी वक़ास रज़ील्न रूम के सामने है जंग के मैदान में और रूम दुनिया की बड़ी ताकतवर कौमों में से एक फ़ौज गुजरी है तो उसके जो कमांडर थे रुस्तम उन्होंने कहा कि हमारी तरफ़ कोई शख्स आप अपनी तरफ से भेजो जो हमसे बातचीत करे तो हज़रत साद बिन अबी अकास रज़ी ने अपनी तरफ़ से रबी बिन आमिर रज़ील् उनको उनकी तरफ़ भेजा तो रुस्तम ने उनसे दो सवाल किए कि तुम किस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो और तुम लोग क्या चाहते हो इतनी बड़ी सल्तनत का कमांडर सामने मौजूद है लेकिन आप उन तारीख़ी कलिमात को सुनिए जो रब बिन आमिर रज़ी ने उनके सामने कहे उन्होंने कहा अल्लाहब आसना लिनुर्ज अमन शाह अमिन इबादत इबाद इला इबादत ला कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए भेजा है कि ताकि हम लोगों को बंदों की बंदगी से निकाल कर अल्लाबालमीन की बंदगी की तरफ़ लाएँ और आगे फरमाया वमन ज़ीक़ दुनिया अलासातिहा और इस तंग दस्त दुनिया से इस तंगी वाली दुनिया से निकाल कर आखरत की वसात की तरफ़ लोगों को लेकर जाए और आगे फरमाया आ, मिन जोरदिया अलादल इस्सलाम जो मजहबी ितम लोगों पर होता है उससे निकाल कर लोगों को इंसाफ वाले इस्लाम की तरफ़ लेकर कर जाएं। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं तो अगर कोई इंसान पक्का सच्चा माहिद है और अक़ीदा तोहेद उसके अंदर मज़बूत है तो अल्ला रब्लम की ज़्यादा से मुझे कभी उम्मीद है कि जो है बातिल लोग बड़े फुदक रहे हैं ना इस दुनिया में हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं चाहे उनकी तादाद कितनी भी हो जाए लेकिन हम और आप इस्लामी तारीख़ का मताल करके देखें कि तीन सौ तेरह हज़ार को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया तो अगर हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाए तो आज हम भी वही इज्जत, वही मकाम जो साहबा क्राम को अल्ला रब्लम ने अल्लाह के रसूल के दौर में दिया था वही इज़्ज़त वक़ार आज हम भी पा सकते हैं लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि हम पक् सच्चे मोमिन और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद और तस्बी करने वाले बन जाएं। चौथी चीज़ जो इंसान की अक़दा तौहीद के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी में मुरतब होती है वो है अमन और हिदायत का सबब है रब्बुल आलमीन के उर्शाद अलदीन लहुमुल अमन वहुम वह अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को मुखातब करके वो फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शर्क से आलूदा नहीं किया अल्लाह रबालमीन के साथ किसी को शरीक नहीं किया तो अल्ला रब्लम ने फरमा उमन वह तदून ऐसे ही लोगों के लिए अमन और हिदायत है जो लोग अल्ला रब्लमीन की ज़ात पर पक्का सच्चा ईमान और यकीन रखते हैं तो हम इसी कॉल के मुतल शेख उम इमाम तय रही फरमाया ومن تدبر احوال العالم وجد كل आलम في अर्दी فسببه فسببه توحيد الله وعبادته व رسول الله صلى الله عليه وسلم कि जो भी कोई दुनिया का हालात में गौर वफ़िक्र करें तो वो इस हकीक़त को जान लेगा कि दुनिया में फ़लाह व कामयाबी और कामरानी जो कि बुनियादी जो है अक़दा तोहद पर टिकी हुई है अल्लाह की इबादत में टिकी हुई है और रसोल्ला व्लम की इतात और फरमा बरदारी में मुजमर है तो अगर हम वाकई तौर पर चाहते हैं कि अल्लाह रब्लम हमारी ज़िंदगी के अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाएँ तो सबसे पहले हमें अकीद तोहेद को मजबूत करना होगा एक पाँचवीं चीज़ और आखिरी अक़दे तोहद से अहल ईमान मतहद होते हैं अगर हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाएँ किताब और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते हैं जो आज मुसलमान हम मुंतशिर हो चुके हैं और बातिल लोग मुँह फाड़े हुए हमको खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अगर हम मुतहद हो जाएं यकजा हो जाएं किताब व सुन्नत की तरफ पलट आएं तो अल्लाबालमीन की ज़ात से मुझे कभी उम्मीद है कि कोई भी मुसलमानों की तरफ़ उंगली ना उठा सकेगा आप अल्लाह के रसूल वसल्लम के दौर में जाएं, जब इस्लाम आया तो उससे पहले लोग आपस में कत्ल गारत गरी चोरी जिनाखोरी, मतलब बहुत सारी के अंदर मुलविस थे बाद कबीले तो 40-40 साल तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे लेकिन जब उन्होंने इस्लामी तालीमात को अपनाया ईमान को अपने दिलों के अंदर पेवस्त किया तो अल्लाह रब्बुल रब्लम ने उनको मुतहद और यकजा बना दिया जो एक दूसरे के दस्ते गिरेबा थे अल्लाह रब्बुल रब्लम ने उनको भाई भाई बना दिया इसी तलीमत की हम और आपको भी ज़रूरत है अगर ये तमाम चीज़ें उसी वक्त हमारी ज़िंदगी में आ सकती है जब हम किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे अकदाई तोहेद हमारा मज़बूत होगा क्योंकि अकैदा तोहेद के ज़रिए ही से अल्ला रब्मिन इस दुनिया में भी इज़्ज़तः फरमाने वाला और आखरत के अंदर भी कामयाबी व कामरानी सब्लमिन हमें हमकिनार करने वाला है तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में आप लोगों के सामने बयान की अल्ला रब्लमिन से दुआ हूँ कि अल्ला रब्लम हमें अपनी ज़िंदगी में आकैदा तोहेद को मजबूत करने रबालमीन को यकता व तनहा जानने के अल्ला रब्लमिन हमें तोफ़ीदा फरमाएँ तमाम ज़रूरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाबस्ता करने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाएँ जब तक हमें इस दुनिया में रख दीन इस्लाम पर क़ायम और दायम रख अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मुसलमान भाई परेशान हाल हैं जिस खत्े के अंदर और जिस जहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम के साथ रहम करम का मामला फरमा आमीन अलहम्दुलिल्लाह वाख्रदायमानादिल्हि रब्लम वसलम वरमि वबरक